नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, और आपने यूट्यूब में काफी सारा रिसर्च कर लिया, काफी सारी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए आपने स्टडी कर ली, इंप्लीमेंट कर ली, पर टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार अभी भी मेरी पकड़ नहीं आ रही है ये स्ट्रेटेजी पे, मुझे सही स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, अभी मुझे काफी सारा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं सही तरीके से प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूं। अगर आप उन ट्रेडर में से हो तो मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो में जो मैं आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा बैंक निफ्टी के लिए, जो सबसे सरल होगी, आज तक की सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी जिसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन का एक सिंपल सा एक लॉजिक और जजमेंट फॉलो करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप सही में प्रॉफिट पे आ जाओगे, आप ट्रेडिंग एंजॉय भी करोगे और आपको इतना डर भी नहीं लगेगा। और आप मुझे बाद में कमेंट करके 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद लिटरली कमेंट करके बताना कि जो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, ठीक है, क्या वो सही में वर्क कर रहा है कि मैंने सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट किया है, राइट। सो लेट्स सी कि स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, हम इस स्ट्रेटेजी में बैंक निफ्टी में ऑप्शन में फोकस करेंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है, बट सिर्फ हमें कॉल साइड ही फोकस करना है, पुट साइड हमें फोकस नहीं करना है। जाने दो, पुट साइड को भूल जाओ, कॉल साइड, पुट साइड का ट्रेड आता है तो भी नहीं लेना है, हमें कॉल साइड पे ही फोकस करना है। अच्छा, इतना पता चल गया, अब हमें क्या करना है। देखो, हमें यह चाहिए कि हमारा जो दिन शुरू होता है तो हमें सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट किस तरह से, जो हमारी आइडियल कंडीशन क्या है कि यहां पे अगर दिन स्टार्ट होता है तो कई बार ऐसा मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, तो 11 से 1 बजे तक इस बीच में मार्केट कहीं पे रुकता है एक्चुअली, तो वो सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है इंट्राडे के लिए 15 मिनट के चार्ट में से। हाँ, मैं यहाँ पे 11 से 1 एक आइडियल टाइम बोल रहा हूं, बट दैट डजंट मीन के 10:45 को अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते, और या तो 1:30 को सेटअप मिला तो हम नहीं ले सकते, हो सकता है 10-20% में हमें एक्सेप्शन करना पड़े, बट आइडियल टाइम क्या होगा बताइए सेटअप ढूंढने का, 11 से 1। हाँ, 20% केस में हम एक्सेप्शन कर देंगे अगर सही सेटअप मिलता है तो, बट हमें ऐसा कंडीशन चाहिए। और हमें चाहिए क्या कि मार्केट जब शुरू होता है तो वो ऊपर ना जाए, वो थोड़ा ऊपर जाए या तो डायरेक्ट वो थोड़ा इस तरीके से आसानी से नीचे आ जाए बस। तो हमें इस टाइम पे यहाँ पे एक सपोर्ट ढूंढना है, कुछ कैंडल का हमें मिक्सचर चाहिए और वहां पे हम कॉल ले लेंगे और अच्छा सा प्रॉफिट कमाएंगे। स्टॉप लॉस, टारगेट, हर चीज के बारे में मैं गाइड करूंगा, पहले सीख लो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अब इसके लिए हम मार्च से लेके फेब्रुआरी में काफी सारे हमको ट्रेड मिले हुए हैं लास्ट 2 महीने में, तो वो हम टेस्ट करेंगे कि वो आपको कैसा दिखता है। सबसे पहले 21 मार्च का एक ले लेते हैं ट्रेड। 21 मार्च मतलब ये, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हुआ तो ये ऊपर नहीं गया, तो हमारे लिए ये आइडियल कंडीशन है कि मार्केट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो ट्राई कर रहा है इसको क्रॉस करने की, नहीं कर पा रहा है, तो मेरे लिए बेस्ट है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा कि ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो उतना नीचे भी नहीं जा रहा है। और ये देखो 11:45 की ये कैंडल है, इसका लो है 39,394 और इसके बाजू वाली कैंडल का कैंडल है 93, तो 1 रुपए का ही डिफरेंस है ये दोनों कैंडल में। तो हमें 2 या 3 ऐसी कैंडल ढूंढनी है, देखो हमें 2 या 3 ऐसी कैंडल ढूंढनी है उस टाइम के आसपास, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली वही टाइम, बट सपोर्ट के टाइम पे हमें 2 या ऐसी कैंडल ढूंढनी है कि ये 2 या 3 कैंडल है, इसका जो लो है उसके बीच में 1 रुपए का डिफरेंस, 5 रुपए का डिफरेंस, 10 रुपए, 20 रुपए, 30, इतना ही हो, 30 पॉइंट मैक्सिमम, 30-35 पॉइंट, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 30 पॉइंट मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जितना ये सपोर्ट नजदीक है, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, ऐसी 2 जी कैंडल भी बनती है, तो मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर दूंगा। और ये 2-3 कैंडल की जो रेंज है, ठीक है, वो बॉक्स वाली रेंज, वो ऊपर की तरफ जब तोड़ता है तो मैं वहां पे कॉल साइड ट्रेड ले लूंगा, ये कैंडल की रेंज का जो नीचे का जो लो है उसको मैं स्टॉप लॉस मान के, उसमें भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। पर अभी अंडरस्टैंड कि मैं इसको ये बोल रहा था ना कि देखो मार्केट हुआ, मुझे पता चला ये 15 मिनट का हाई ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट खाली खोटा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे यही 2 चैनल, यही 2 कैंडल मैंने क्यों ऑब्जर्व किए, क्योंकि ये मेरे टाइम के आसपास है, 11:45, ओके, ठीक है, और एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, वाओ, तो वो भी अच्छा है। फिर मैंने इसका हाई मार्क कर लिया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब जैसे ही मुझे पता चला
कि ये हाई ब्रेक कर रहा है, मैं यहां से एंटर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो ये SL ये लो वाला रख लो, ठीक है। अगर कहीं को ऐसा लग रहा है सर SL 80 पॉइंट का है, SL 150 पॉइंट का है, कई बार रेंज 200 पॉइंट के चली जाती है, अगर आप डर रहे हो, अगर आप डर रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कम से कम 60 पॉइंट का SL लेके चलो बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर आप वो भी डर रहे हो तो आप 30 पॉइंट का लेके चलो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर ये डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं वहां पे SL वगैरह की। पर बैंक निफ्टी घूमता है उसके लिए 60 पॉइंट का मोमेंटम दो, वरना खाली खोटा आपका लॉजिक सही होगा ना तो भी प्रॉब्लम। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको ये जो बॉक्स है ना, ये एक रेंज है ना, इसका जो लो होता है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर आप ये सपोर्ट ले पाते हो, ये अगर आप स्टॉप लॉस ले पाते हो ना तो वो बेस्ट है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पैसा बना, आप बनाओगे ही पैसा, ठीक है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट SL रहेगा। पर अगर आप डर रहे हो छोटा मोटा SL चाहिए तो फिर वो 60 पॉइंट का SL रख लो यार, ठीक है, वरना वो आइडियल है। और इसके बाद आपको जितना प्रॉफिट चाहिए वो उतना लेने की आप ट्राई करो, क्योंकि मार्केट अगर 11 से 1 के बीच में ये सेटअप मिलता है ना तो अभी मार्केट के पास 3 घंटे या तो 2 घंटे बचे, तो इसने ये लो लिया है ना तो वो ब्रेक नहीं करेगा ज्यादातर केसेस में, 99.95% में। मैं चाहता हूं कि आप रुको वहां पे, जितना प्रॉफिट मिलता है आप ले लो वहां पे। अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो थोड़ा SL हर 100 पॉइंट पे SL कैप्चर करते रहो, दिन के अगर मार्केट यू टर्न मारता है तो आपके हाथ में 100-200 पॉइंट तो आ ही जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल था, तो मैंने SL का भी आपको समझा दिया। अब 20 मार्च को जाते देखो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एग्जांपल, पर टेढ़ा मेढ़ा एग्जांपल पर लॉजिक देखो, ये 15 मिनट के कैंडल का हाई था तो मैं इसको देख रहा हूं ओके ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट मार्केट के इनिशियली 10 बजे के आसपास, 10:30 आसपास, 11 बजे के आसपास में एग्जैक्टली वहां पे ट्रेड नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी मार्केट में 1 घंटा हुआ है यार, ठीक है, मेरा सपोर्ट सही तरीके से नहीं बैठेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके फिर से नीचे जा रहा है, सो आई लाइक इट कि ओके भाई यहाँ पे हाई था, इसने दूसरी बार हाई टेस्ट करने की कोशिश की, नीचे जा रहा है, ओके अब मैं ढूंढता हूं कि मेरी 2-3 कैंडल मिलती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये कैंडल का लो है 39014, फिर इसका 12, तो 2 ही रुपए का डिफरेंस, फिर इसका 89, मतलब 10-15 रुपए का ही डिफरेंस। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चलो इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि मुझे अभी 3 कैंडल मिल गई, ठीक है, और इसके ऊपर, ये रेंज के ऊपर तब मैं चला जाऊंगा। तो वो देखो ये रेंज के अंदर काफी सारी कैंडल आती रही, पर जैसे ही इसके ऊपर गया तो हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिली। देखो मैं आपको मूवमेंट बता दूं, छोटी मूवमेंट इतनी नहीं है, पर करीबन 180 पॉइंट्स की तो मूवमेंट हमें मिल गई। तो 180 पॉइंट्स भी खराब नहीं होते हमारे लिए, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी डाल के भी हम ले सकते हैं। बट अंडरस्टैंड, मैंने लॉजिक ये 3 कैंडल पे डाला जहां पे 2 रुपए, 12-13 रुपए, 15 पॉइंट का डिफरेंस है, और जब तक वो रेंज ऊपर की तरफ नहीं, मुझे नीचे की चिंता नहीं है, नीचे वो भले चला जाए, पर जैसे ये ऊपर टूटता है तो मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सेटअप मैंने बता दिया आपको। फिर हम जाते हैं 17 मार्च में, 17 मार्च में भी ये रहा है, देखो आइडियल कंडीशन, 15 मिनट का हाई क्रिएट किया, फाट करके नीचे आ गया। अब मेरा माइंड चालू हो जाएगा उसको देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको फोकस करूंगा कि ओके 12 बज गए, 12:30 बज गए, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, ग्रीन कैंडल अचानक आ रही है मेरे पास, राइट। तो मैं ये 3 जो भी कैंडल है मैं उसको ध्यान रखूंगा कि ओके, और कई बार ये दोजी कैंडल होती है ना, दोजी कैंडल, तो फिर मैं रुकता हूं दूसरी कैंडल के लिए, क्योंकि 10-20 पॉइंट की कैंडल बैंक निफ्टी के लिए मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, राइट। तो थोड़ा दोजी कैंडल है तो मैं राह देखता हूँ, क्योंकि 3-4 कैंडल को आने दो। बट जैसे ही मुझे एक रेंज मिलती है, अच्छी खासी रेंज मुझे दिखता है कि कुछ मुझे रेंज मिल रही है जो रिलायबल है, वो रेंज क्रिएट करके देखो कितना बड़ा आपको मूव मिला, कितने पॉइंट्स मिल चुके होते हैं आप में, अंडरस्टैंड। सो ये छोटी छोटी स्पिनर या तो दोजी कैंडल को मैं क्यों अवॉइड करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ट्रेड क्यों नहीं लेता, क्योंकि इन दोनों के रेंज के डिफरेंस ही 20-30 पॉइंट है, और बैंक निफ्टी के लिए 30-40 पॉइंट तो ऐसे करके घुमा देगा। तो उस टाइम पे मैं क्या बोलता हूँ, 3-4 और कैंडल को क्रिएट होने दो। तो मैंने यहाँ जैसे 1-2-3-4-5 कैंडल को क्रिएट करने दिया, मुझे कुछ अच्छी खासी कुछ रेंज मिली जिसमें कुछ अच्छे खासे पॉइंट थे, 70-80 पॉइंट, तो फिर मैं ऊपर की तरफ चला गया, राइट। और ये सेंस बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि मार्केट डाउन था, 12 बजे के बाद मार्केट में रिकवरी आएगी ऐसा लग रहा है, ओके ठीक है। तो ये सब लॉजिक आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाएंगे। 17 मार्च के बाद सीधा 16 मार्च में देखो, ये भी यहाँ पे भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्या था, सीधा ये मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो नहीं लूंगा ट्रेड, अर्ली मार्केट में तो नहीं लेना है। फिर उसने दूसरा ट्राई किया, हाँ इसको क्रॉस कर दिया, पर
हमारे लॉजिक पे क्रॉस नहीं किया, फिर से उसको रिजेक्शन मिला। अब इसको रिजेक्शन मिला नीचे आया, तो उसी तरह से मैं फिर से एक्टिवेट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो कैंडल है वो देखो, ये दोनों कैंडल जो आसपास आई, कौन सी दोनों कैंडल आसपास आई, ये वाली, तो इसका लो कितना है, तो के 71, 771, 38, 771, इसका लो कौन सा है 55, मतलब 20-25 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी रेंज भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि छोटी सी रेंज है, अच्छी रेंज है। इसको जब जैसे ही क्रॉस किया तो ऊपर चला गया। अब आपको डर लग रहा है, अरे देखो सर यहाँ पे थोड़ा यू टर्न मारा हुआ है, नो प्रॉब्लम। हर 100 पॉइंट पे, हर 200 पॉइंट के मूवमेंट पे अगर आप एसएल ट्रेल करते रहोगे, प्रॉफिट बुक करते रहोगे, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है, ये पता चल गया। अब 14 मार्च को देखो, ये एक छोटा सा है पर अपने को मिला था। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट सीधा नीचे ने, अब दूसरी कैंडल से हाई मार के वो नीचे आया, तो मैं उसको ऑब्जर्व करने लगूंगा। फिर मैं देख रहा हूँ कि यार दोजी कैंडल स्टार्ट हुई है फॉर्म करना, वो कहां से फॉर्म हुई है स्टार्ट करना, तो कि 11-15 से, और इसका लो है जैसे कि 132, तो इसका लो है 191, फिर इसका 176, 152, तो कुछ 40-50 पॉइंट की रेंज में 1-2-3-4 कैंडल बन रही है। तो इसका मैंने अगर ये ऐसा पॉइंट बना दिया, तो इसके ऊपर ये बहुत बड़ी कैंडल आ गई हमको, करीबन कितने पॉइंट, यहाँ पे कितने पॉइंट की कैंडल है, 297 तो नहीं मिलेंगे यहाँ पे अपने को, पर अगर ये पॉइंट क्रॉस कर लेता तो अपने को 240 पॉइंट समथिंग अपने को मिल जाते। तो ऐसा भी अगर आप करना चाहते हो कि भाई मल्टीपल 3-4 कैंडल, दोजी कैंडल मिल रही है, उसकी एक रेंज ले ले, तो वो भी ले सकते हो। तो ये लॉजिक वर्क करेगा एक्चुअली अच्छी तरह से, राइट। ओके, अब आ जाते हैं 23 फरवरी में सीधा, ठीक है, 23। ओके, ये वाला सेटअप। सो देखो ये काफी सारे सेटअप रिपीट हो रहे हैं, देखे ना, अगले आपने एक एग्जांपल देखा होगा, नीचे गया फिर अर्ली मार्केट ऊपर आया, फिर मिड मार्केट में ये नीचे आ रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ ना, मुझे मिड जो आफ्टरनून वाला टाइम होता है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए मैं 11-11-15 वाली कैंडल को ही फोकस करता हूँ। उसके पहले सेटअप मिलता है ना तो भी मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि वहां पे थोड़ी फाइटिंग आती है एक्चुअली ऊपर नीचे की। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली असली खेल चालू हुआ 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के इसका लो देखो तो 774 था, फिर ये 84 वाला लो, फिर से 87 वाला लो, और ये लो 87। तो मुझे पता चल गया कि यार ये 3-4 कैंडल है, इसको अपने को फॉलो करना चाहिए, और अपने को अच्छी अच्छी खासी कुछ कम से कम 150 पॉइंट यहाँ पे अपने को मिल जाते। छोटी मूवमेंट थी, मिल जाते, लॉस नहीं होता अपने को, ये गारंटी है, ठीक है। और 15 फरवरी, ओके, अब 15 फरवरी देख लेते हैं। हाँ, ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सपोर्ट है। 15 फरवरी में क्या हुआ, अगर आप देखना चाहो तो नीचे गया मार्केट, फटाफट ऊपर आया। अब देखो मैं ये कोई कैंडल क्यों नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे कैंडल का फॉर्मेशन नीचे चाहिए, मुझे ऊपर की तरफ नहीं चाहिए। ऊपर की तरफ मतलब जब मार्केट ने ये 15 मिनट का हाई बनाया था, ये वाली कैंडल मेरे लिए कभी भी सपोर्ट का काम नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड कि अगर मुझे ये लग रहा है कि अच्छा ये 11-12 बजे वाली कैंडल है और ये एक साथ कैंडल दिख रही है, हाँ तो मैं ये काम करूंगा, ये मार्क कर लिया और इस तरीके से मैंने लो मार्क कर लिया। अब ये रेंज को वो ऊपर की तरफ तोड़ता है, सो आई कैन मेक एन एक्सेप्शन एंड टेक अ ट्रेड कि हाँ भाई चलो इस पे ट्रेड लिया जा सकता है, बट मैं चाहता हूं कि जो भी ये कॉम्बिनेशन हो नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ ना हो। तो मेरे लिए क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ये ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड अपने को लेट मिला, मैंने बोला था ना कई बार एक्सेप्शन करेंगे, ये कभी 1 बजे के बाद अपने को मिला, पर यहाँ पे देखो 3-4 कैंडल एक साथ घूम रही है और इसकी जो रेंज है वो रेंज को तोड़ा तो अपने को बहुत बड़ी मूवमेंट मिली। आपको ये चार्ट में छोटी मूवमेंट देखेगी, 74 पॉइंट प्लस 125 मतलब 200 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट मिल गई, राइट। तो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया पता है, मैंने दो तरीके से ट्रेड लिया, मुझे ऊपर का तो ये तो चाहिए था ना, ये तो रेजिस्टेंस जैसा हुआ तो हमारे लिए काम नहीं करेगा। नीचे में यहाँ पे ये देख रहा था कि इसका जो लो है, देखो ये कैंडल का आज का दिन का लो है वो है 455.68, तो इसने कितना लो मारा 455.72.59, तो मतलब ये मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे दे रहा था कि भाई ये सेटअप पे फोकस करो, क्योंकि इसके नीचे वो लो नहीं ले जा रहा है, सो दैट इज व्हाई आई फोकस ऑन दिस। समझ में आ रहा है, ये लॉजिक है, ऐसा ही नहीं है कि मैं क्यों ये लॉजिक ले रहा हूं, क्योंकि ये लो तोड़ नहीं पा रहा है, अच्छा इसलिए मेरा लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, राइट। और थोड़ा मार्केट लेट था तो मुझे दूसरा लॉजिक भी लेना पड़ा। 15 फरवरी हो गया हमारा, अब कौन सा है 13 फरवरी, ठीक है, ओके। देखो परफेक्ट चीज है यहाँ पे, मार्केट ने ये हाई मारा, हाई क्रॉस ही नहीं कर सका, नीचे आ रहा है। अब मैं उसको देख रहा हूं, ठीक है। तो 12-15 यहाँ पे बचे हुए हैं। अब यहाँ पे जो लो मारा उसने, कोई प्रीवियस लो होगा, जो भी होगा, बट इसके बाद वाली ये कैंडल देखे, छोटी कैंडल, तो इसका लो है 175,
इसका लो है 176, सिर्फ एक रुपए का डिफरेंस है, एक रुपए का, एक पॉइंट का बैंक निफ्टी में डिफरेंस है, और मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये रुकने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर ये और ये रेंज को ये तोड़ता है तो ऊपर की साइड जब जाए, भले छोटी सी मूवमेंट है, 100 पॉइंट मिले, पर अपने तो सही, समझ आ रहा है, लॉजिक तो वर्क कर रहा है हमारा, ओके। और 13 फरवरी हमने देख लिया, 9 फरवरी को देखते, देखो ये वाला परफेक्ट चीज है, हाई यहाँ पे मारा, टिकरा मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट को गिरा दिया इसने, राइट। हमने ये सेटअप काफी टाइम देख लिया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे होता है, दूसरा हाई कोशिश करते हैं, कई बार पता है दूसरा हाई यहां तक चला जाता है और नीचे आता है, कई बार इसके ऊपर जाके नीचे आ जाता है, बस हमें वही तो चाहिए, वही तो चाहिए। और देखो अब मेरा ऑब्जर्वेशन ये कैंडल पे क्यों होगा, आप लोग बताओ क्यों, क्योंकि इसका लो कहीं ना कहीं यहाँ पे जा रहा है, भले यहाँ पे नीचे थोड़ा वीक्स इसका बढ़ा है, पर कहीं ना कहीं वो स्टे कर रहा है। आई अंडरस्टैंड, मैं जब चार्ट देखता हूँ, ओके ये क्यों नीचे नहीं जा रहा है, क्यों मल्टीपल कैंडल एक ही रेंज में बन रही है, और इन सभी का लो के बीच में डिफरेंस कितना है, इसका लो 286, इसका अगेन 286, 76, 300, तो देखो 14-15 पॉइंट के बीच में, ओके चलो तो एक रेंज बना दो, ये रेंज टूटेगी तो अपने को बहुत बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। अंडरस्टैंड, कितना आसान है, कॉल साइड ही ट्रेड लेना है, कोई चिंता की बात नहीं है। 9 फरवरी हो गया, अब कितने बचे, 2, 7 फरवरी, ठीक है। अब देखो ये भी कितना बहुत बड़ी एग्जांपल, ये हाई था मार्केट, ठीक है, ये मार्केट टूटा, राइट, अच्छी तरह से अपने को कोई दो अच्छी कैंडल मिल नहीं रही थी। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये कैंडल ने 1 बजे सपोर्ट लिया, वो है 41095, और यहाँ पे जो सपोर्ट लिया वो 104 है, मतलब 5 और 4 ₹9 का डिफरेंस है, 9 या 10 पॉइंट का डिफरेंस है। हाँ ओके, अब जैसे ही इसने यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल आई, उसके ऊपर ये देखो कितना ऊपर गया, क्योंकि ये सेंस बनता है, राइट, कि मार्केट ऊपर का हाई क्रॉस नहीं कर सका, पूरे दिन 11-12-1 बजे तक डाउन था, फिर हमें ऐसी कोई दो कैंडल की जुगलबंदी मिल गई, 2-3 कैंडल की, इसकी एक रेंज बना के ऊपर जाएगा तो कंफर्म कि अभी ये रिकवरी आ रही है, बाइंग रिकवरी, राइट। सो इस तरह से हमें कर सकते हैं। अभी शायद एक ही बचा 3 फरवरी वाला, वो भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये अगेन नाइट सेटअप, ऊपर का हाई क्रॉस नहीं किया, मार्केट डाउन जा रहा है। अब मैं ये मार्केट को देख रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मार्केट में ये 11-15 हो गए, ठीक है, 11-15 का लो है 670, इसका लो है 9, थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, बट इट्स ओके, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे 25, ओके, तो मुझे ये 3-4 कैंडल मिली, तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ, ओके। अब उसको देखो, इसको क्रॉस करने में काफी टाइम लगा यहाँ से, और उसके बाद मुझे कितनी अच्छी मूवमेंट मिली, देखो यहाँ पे थोड़ा गैप था कि भाई 40-50 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, बट फिर भी कोई बार मैं एक्सेप्शन क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा एक लॉजिक काम कर रहा है कि इनिशियल आर का मार्केट का लो, मार्केट का है ऊपर की तरफ नहीं टूटा, मिड मार्केट तक मार्केट डाउन जा रहा है, फिर अचानक ग्रीन कैंडल आके वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सो मैं दो तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन बना के एक रेंज उसको देके, अगर वो रेंज ऊपर की तरफ टूटती है तो मेरे लिए भले सपोर्ट 2 या 3 कैंडल का 10 पॉइंट 20 पॉइंट ना हो, 40-50 पॉइंट हो, बट मैं एक्सेप्शन के लिए तैयार हूं कि हाँ भी मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। सो अंडरस्टैंड, आपको इससे अच्छी कोई स्ट्रेटेजी मिलने वाली नहीं है मार्केट में, और सिर्फ कॉल साइड ही ट्रेड लेना है, पुट साइड नहीं लेना है। अगेन स्टॉप लॉस है, जो रेंज है उसका लो आप रख दो तो बेस्ट है, अगर आप डर रहे हो कि बहुत बड़ा कई बार स्टॉप लॉस बन जाता है तो 60 पॉइंट 70 पॉइंट का एसएल ले लो, इट्स ओके। अगर वो एसएल टूटता ही है और फिर से मार्केट ऊपर जाता है तो री एंट्री भी करो सर, क्योंकि वो तो एक बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट, अगर आपको लग रहा है, जैसे कि आपने, मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सही एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि अरे सर आपने गलत एग्जाम्पल दिया, हम लोग कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं, मैं आपको एक सही एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ट्रेड है, ठीक है, और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये कैंडल, ठीक है, अब मैंने कुछ छोटा स्टॉप लॉस रखा तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, तो मुझे लॉस हो गया, बट फिर अगेन ये रेंज को क्रॉस कर रहा है ना, सो टेक ए री एंट्री और डबल यहाँ पे क्वांटिटी कर दो तो एसएल भी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने ये रेंज बनाई काफी लोगों के पास कैपिटल कम है, ये स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, अरे सर ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, डर लग रहा है, ओके डर लग रहा है, छोटा स्टॉप लॉस अपने हिसाब से 60 पॉइंट का रख लो, ठीक है, अगर वो 60 पॉइंट का एसएल बीच में आके नीचे आके थोड़ा मार्केट ट्रिगर करता है, बट वो फिर से वो रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है, वो तो डबल कंफर्मेशन है ना कि अब तो कंफर्म हो गया कि उसको ऊपर जाना ही जाना है, तो वहां पे तो आपको री एंट्री लेनी ही है। री एंट्री लेते टाइम अगर आप 4 लॉट से ट्राई कर रहे हो तो अभी 6 या 8 लॉट से ट्राई करो, ताकि आपका एसएल भी रिकवर हो जाए और मार्केट में टिको तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और आप
हर एक चीज में इसमें एनालिसिस कर लो, जितना आप ज्यादा रुकोगे प्रॉफिट देगा। अगर आप डर रहे हो और 150 पॉइंट पे 200 पॉइंट के आप एसएल थोड़ा ट्रांसफर करते जाओ, प्रॉफिट बुक करते हो, इट्स ओके। बट ये चलता है ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको 200, 250, 300, 400 पॉइंट का प्रॉफिट तो आराम से ये देके चाहिए। मिड मार्केट है तो 800 पॉइंट तो नहीं बोल सकता, बट जो भी है मैक्सिमम वो आपको देके जाएगा। और इससे अच्छी आपको स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं सिखाएगा, आप 1000 रुपए देगे तो भी नहीं, राइट। सो इसको अच्छी तरह से प्लीज आप लोग फॉलो करो, ऐसा नहीं कि यार वीडियो देखा टाइम पास कर लिया चले गए, ऐसा नहीं। इसको फॉलो करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैंने काफी सारे ट्रेडर्स को ये चीज बताई है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको इसने 2-3 महीने आप इसमें फॉलो कर लिया ना, तो आपको जजमेंट आ जाएगा कि कौन सी कैंडल पे फोकस करना है, नहीं करना है। और हमारा पूरा लॉजिक यही है कि मार्केट थोड़ा इनिशियल आवर्स में डाउन जाता है, फिर यहाँ पे एक बाइंग रिकवरी आती है भाई, ओके। तो वह उसी चीज को ही हम कॉल साइड इसको टैकल करना है और कुछ नहीं, राइट। सो आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो, मैंने बहुत सारे इसमें एफर्ट्स डाले, आपकी कमेंट्स मुझे करना, और स्पेशली ट्रेड लेके आपको कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि यू आर रियल ट्रेडर। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर वन टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे, दूसरा वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में, और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया, तो और Q&A सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर, खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस पे फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद आप अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे, ठीक है।